हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा अमृतसर में लास्ट डे है। मैं आज जा रही हूँ यहाँ से रमीदी, मैं अपनी सिस्टर के ससुराल जा रही हूँ। तो इससे आगे का मैं आपको, यहाँ से मैं पहले गोल्डन टेंपल जाएंगे हम लोग, फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे। तो आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करो जल्दी से प्लीज। हमारे जाने की दुख में हमारे मामा जी को बहुत तेज बुखार आ गया है। मामा जी ठीक हो जाओ, कोई गल नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी अगले साल। मामा जी ठीक हो जाओ तो जल्दी, ठीक है? चंगा। ये आज हमारी सवारी है जो हमें यहाँ से गोल्डन टेंपल लेकर जाएगी और उसके बाद में बस अड्डे लेके जाएगी हमें। एक भाई है, मैं उनसे भी मिलने के लिए आई हूँ। पाजी असी जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। जा रहे हो? ठीक है जी। अभी है वो भाग गई है अंदर, अभी उसको मैं पकड़ के लाती हूँ बाहर। रुको, मैं जा रही हूँ। दीदी क्यों गई? फिर क्यों गया? फिर क्यों गया? क्लारा तो जाती है, चेहरा बना चादर तो बिछा लेती। हाँ, एक तो दरबार साहब, फिर तो मम्मी के ससुराल। ठीक है देखो हमारा लगेज कैसे सेट किया जा रहा है। ये मेरे मामा ही है, कजन मामा है ये मेरे, जो मुझे लेके जा रहे हैं दरबार साहब टेम्पो में। ये मेरे एक और मामा है जिनको हम अमिताभ बच्चन बोलते हैं, मैं उनके घर पे आई हूँ। मामा जी, ये अमिताभ बच्चन है, इनको अमिताभ बच्चन कहा जाता था पहले, है ना अमिताभ बच्चन? हम जा रहे हैं आज खासे को बाय बाय करके। बाय खासा। गाइस, अब मुझे लगता है कि पहले तो मैं हर साल आती थी, बट इस साल अभी लगता है कम से कम, मुझे लगता है 2 या 3 साल के बाद ही मेरा यहाँ पे आना होगा। गाइस, हम लोग गोल्डन टेम्पल पहुंच चुके हैं। अभी हमारी सवारी ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है। अभी यहाँ से हम लोग उधर तक पैदल चल के जाने वाले हैं और इतना लगेज लेकर जाने वाले हैं। ये सब पूरा लगेज लेके हमको वहाँ तक जाना है, दूर तक। इतनी बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे, देखो लगाया हुआ है। यहाँ पे अंदर रिक्शा आना अलाउड नहीं था ना, इसलिए हम लोग को लगेज सारा लेकर आना पड़ रहा है ऐसे खींच खींच के। गाइस, ये वाटर की आवाज कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे ना। क्या मन कर रहा है तेरा? जा नहा ले। इतना सामान लेके आने में तो बहुत हालत हो गई है यहाँ पे। इसके लिए अभी हम लोगों ने ना आइसक्रीम खाने का फाइनल किया है। कौन कौन सी आइसक्रीम ले रहे हो तुम लोग? चॉकोटी। लोग चॉकोटी ले रहे हैं, मैं वनीला लूंगी। अमृतसर में ना खाने पीने की बहुत मौज, मस्त अच्छा खाना मिलता है और रेट भी रिजनेबल रहते हैं। इसी देखो कितनी बढ़िया बनाई है यहाँ पर। गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है। फूलों का कलर कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस। कह रही मम्मा आप ये पहन के अच्छे लगते हो। सच्ची में मुझे भी वैसे अच्छा लगता है निशान साहब का ये पहना हुआ है। बाहर निकले हैं और यहाँ पे एक जगह फेमस सतपुड़े हैं अमृतसर के। तो गाइस ये देखिए, कम से कम ये दुकान यहाँ पे मेरे ख्याल में 40-50 साल पुरानी तो होगी ना, 70 साल पुरानी। कितने साल पुरानी दुकान है ये? 70 साल पुरानी दुकान है ये।
तब तो मैं भी नहीं पैदा हुई थी, 70 साल पहले, तो इतनी पुरानी दुकान है। बट हम लोग जब भी दिल्ली से या बॉम्बे से हमारे रिश्तेदार भी आते हैं ना, वो यहाँ के सतपुड़े खाए बिना जाते नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी कभी अमृतसर में आओ तो यहाँ का सतपुड़ा जरूर खाओ आकर। देखो गाइस सतपुड़े की शक्ल देखो कितनी मस्त लग रही है। ये गुलाब जामुन भी यहाँ के मस्त है, इसे एकदम। ये अमृतसर में आटा मंडी कटरा जामल सिंह में ये शॉप है। कभी भी आप अमृतसर आओ तो यहाँ का सतपुड़ा प्लीज जरूर टेस्ट करना। कैसा है मम्मा? मम्मा बोल रही पहले खाने दो। चलो ठीक है। ये गुलाब जामुन देखो ये कितना सॉफ्ट है, और तो इजीली जा रहा है अंदर। उई इतना बड़ा है ना, एकदम गर्म। ये देखो यहाँ का गुलाब जामुन कितना सॉफ्ट है। वाह मलाई लग रहा, मलाई गुलाब जामुन लग रहा। देखो जी, देखो देखो भूल गया तो सॉफ्ट है। ये कटलेट है हमारा। अगर ये वीडियो मेरी बहन ने देख ली ना, मेरी बहन एक आई नहीं है दिल्ली से, तो मेरे चप्पलों से पिटाई होने वाली मेरी बड़ी बहन ने। चिकन है ना, अब यहाँ पे कटलेट दिया है बेटा। कैसा है कटलेट का टेस्ट बताओ जरा जल्दी से। बहुत टेस्टी है, बहुत यम है। देखो गाइस हमने यहाँ पे 3 चीजें ट्राई किया और सिर्फ कितने की है, ओनली 80 रुपए की। ये देखो हमने यहाँ पे एक नई डिश ढूंढी है, क्या है नाम इसका, आइसक्रीम पकौड़ा। ये पकौड़ा देखो, खा लो पकौड़े को। अभी गोल्डन टेम्पल कम्प्लीट हो चुका है, मेरा व्लॉग पूरा हो चुका है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ऑटो मिल जाना, इधर बाहर ही जाना जी, फिर उठे जाना पैने सानू, इधरों सानू बाहर ऑटो मिल जाना।